हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है अपनी मर्जी से, ठीक है। और ना सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये वाली नॉवल ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और दूसरी चीज़ ये है कि एक माफिया लव स्टोरी, नहीं लव स्टोरी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ एक माफिया वाली लव, सॉरी एक ये आदत हो गई ना माफिया लव स्टोरी वो कहने की, तो चलो कोई बात नहीं। बट ये एक माफिया वाली स्टोरी जो है वो होने वाली है, जहाँ पर ये कह लो कि एक अचानक से ही शादी हो गई, और देखते हैं आगे क्या होता है। पूरी स्टोरी जाने के लिए तो आप लोगों को पूरी वीडियो का एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी, है ना। तो फिलहाल मैं आप लोगों को इसकी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ। बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस नॉवल को पढ़ सकते हैं, बट पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है हिडन माफिया, और इसकी जो रेटिंग है वो 4.5, और ये इसके जो ऑथर है उनका नाम है SP, और ये जो इसके अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो हैं 110, और मैंने कितने पढ़े हैं, मैंने 50+ इसके चैप्टर्स जो है ना वो पढ़े होंगे, बट मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। उसका रीज़न क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेती हूँ, और इसी इंट्रोडक्शन के थ्रू आप लोगों को मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो भी मिल जाएगा। तो चलिए, रक्षित ठाकुर अंडरवर्ल्ड का माफिया डॉन, जो कि अपनी पहचान छुपाए बैठा है, इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा, यहाँ तक कि लोगों को इनका नाम भी नहीं पता, लेकिन इनका मकसद बहुत बड़ा है जिसे सब हैं अनजान। रक्षित को लोग RR के नाम से भी जानते हैं, आधे से ज़्यादा दुनिया RR का नाम सुनकर ही कांप उठती है। बिजनेस की दुनिया में, अपनी दुनिया में ये बेताज बादशाह हैं। इन्हें लड़कियों और शादी वाली चीज़ों से मतलब नफरत है। वहीं दूसरी तरफ है आरना सिंघानिया, बड़े घर की सीधी सादी लड़की, अपनी दुनिया में खुश रहने वाली, जिसे गरीबी क्या होती है ये कभी मालूम ही नहीं था, लेकिन थी बड़े दिल की मासूम सी लड़की। आरना को माफिया RR से है नफरत। क्या आरना कभी जान पाएगी रुक्षित का सच? ठीक है, करेक्शन मैंने कर दिया है, देख लेना आप लोग नाम में। लड़कियां और शादी जैसे चीज़ों से नफरत करने वाला रुक्षित जब करेगा आरना से दीवानगी और जुनून भरा प्यार, तो क्या रंग लाएगी ये दीवानगी? ये जानने के लिए आप लोग को इस नॉवल को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली होता कैसे है ये, मतलब जो हमारी हीरोइन है इनका इंट्रोडक्शन और कैसे ये लोग जो हैं आमने सामने आते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो भाई ये कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि इनके जो फैमिली वाले हैं ना, सॉरी इनके जो मतलब ये कह लो कि इनका भी वो फैमिली वाला कनेक्शन था कि भाई दादाजी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना है, और अपने मतलब जो तुम्हारी घर की बेटी है उसको मैं अपने पोते से जो है मतलब शादी करवानी है, ठीक है, बस वैसा वाला सीन होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि जो हमारे हीरो हैं ये जो है इनका जो काम है ये मुंबई में है, ठीक है, लेकिन इनकी जो फैमिली है ना वो गांव में रहती है, ठीक है। इनके बड़े भाई हैं, इनकी भाभी हैं, और इनके मॉम डैड, ठीक है, और दादा दादी, ऐसा वाला सीन है, लेकिन वो सब गांव में ही रहते हैं, एक बड़ी सी हवेली टाइप, और पूरे गांव में उनकी काफ़ी मतलब रौबदार पर्सनालिटी टाइप है ना, वो वाला सीन है। और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जो है वो इंडिया से बाहर है अपनी फैमिली के साथ, इनकी फैमिली जो है वो ये कह लो कि काफ़ी ज़्यादा इनको प्यार करती है, और ये अपनी फैमिली के कहने पर ही शादी के लिए हाँ भी कर देती है, ठीक है। और हालांकि अभी इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक गोल्स थे जो इन्हें अचीव करने थे अपनी लाइफ में, और ज़्यादा सक्सेसफुल होना था। अब ये क्या करते हैं ये जानने के लिए तो आप लोग को नॉवल को खुद ही जो है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें जो है ना वो स्टार्ट होती हैं, और जब वो वहाँ पर जाते हैं गांव में, तो मतलब इन्हें ये कह लो कि हमारे हीरो को तो पता ही नहीं था, जस्ट ऐसे होता है कि शादी करनी है और बस जल्दी से वो चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन हो जाता है, और फटाफट से जो है इनकी शादी हो जाती है दोनों की। लेकिन हमारे हीरोइन को काफ़ी ज़्यादा थोड़ी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती है, वो भी इस वजह से क्योंकि यार वो एक ऐसी रही है, मतलब हर चीज उन्हें ना पहले ही अवेलेबल हो चुकी है, मतलब कंफर्ट जोन जो है वो उन्हें मिला है, लेकिन गांव में आप लोगों को पता है कैसी चीजें होती हैं, तो बस वही थोड़ा सा ना उनको एडजस्टमेंट का थोड़ा इशू, और देखना कि यार लाइट, कंफर्टेबल बेड, और भी बहुत सारी चीजें हैं ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और हमारे हीरो जो है वो तो लड़कियों से नफरत करते हैं, तो वो तो बस यही सोच रहे थे कि पता नहीं इन्हें क्या जादू किया कि मेरे जो है ज़बरदस्ती मेरी शादी करा रहे हैं। और तो और वो गांव में जब आते हैं तो भाई उनको भी अपनी पर्सनालिटी जो है वो चेंज करनी पड़ती है, मतलब अपने बॉडीगार्ड्स वगैरह जो है उन्हें दूर करना पड़ता है। हालांकि इनकी फैमिली यानी कि जो इनके दादाजी हैं वो सब कुछ जानते हैं इनके बारे में कि भाई ये जो है ये क्या करता है, और इनका जो मकसद है ना वो सबसे अभी फ़िलहाल छुपा हुआ है, लेकिन वो मकसद क्या है ये तो धीरे धीरे जैसे आप लोग पढ़ते जाओगे नॉवल को वैसे जो है आप
लोग को पता चलता जाएगा। और दूसरी चीज़, वो वहाँ से उनको अपने साथ मुंबई भी लेके जाते हैं और वो खुद भी हैरान हो जाती है। वो भी ये सोचती है कि यार मतलब ऐसे बोला गया था कि ये कोई काम करता है, लेकिन क्या काम करता है जो इतनी बड़ी इसकी मतलब विला है और इतने सारे बॉडीगार्ड्स, इतनी सारी चीज़ें, मतलब एक रॉयल लाइफस्टाइल ना प्रॉपर वो है। तो कि गांव में इसकी फैमिली क्यों रहती हैं और क्या चीज़ें हैं, और तो और दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो एक दूसरे के साथ किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। मतलब अभी ये कह लो कि इनकी कैट फाइट होती रहती है, ठीक है, तो यार वो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, वो तो होगी भी। दूसरी तरफ थोड़ा सा नफरत भी है लड़कियों से, और फिर ये चीज़ भी है कि यार ये तो वहाँ से आई है तो इसके तो अलग ही नखरे होंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारे हीरो को उनके सामने ऐसे भोला बनने के लिए मतलब थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है, हालांकि वो बिल्कुल भी नहीं है, और उन्हें अपना गुस्सा जो है वो भी कंट्रोल करना पड़ता है, जो कि उनके अंदर इतना ज़्यादा है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब एक तो ना किसी की नहीं सुन सकते, और वही है ना भाई, मेरी बात ना माने तो फिर बस वही वाला सीन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जब हमारी हीरोइन को सबसे बड़ी चीज़ ये पता चलेगी कि ये जिससे वो नफरत करती है यानी आर आर से, वो जो है वो खुद के मेरे ही हस्बैंड है, तो उन्हें कैसा लगेगा, ठीक है। बट आप लोग देखोगे स्टार्टिंग में मतलब थोड़े टाइम बाद ही, मतलब 40+ जब एपिसोड्स आप लोग चैप्टर्स जो है वो पढ़ लोगे, उसके बाद ही आप लोग को समझ आ जाएगा कि भाई हाँ, हमारे हीरो जो है वो हमारी हीरोइन को लेकर जो है फील करने लगे हैं, और वो उनकी दीवानगी और जुनून जो है वो बनती जा रही है दिन पर दिन दिन पर दिन। तो अब आप लोग समझ जाओ, वो उनके लिए प्रोटेक्टिव पोजेसिव सब कुछ है, लेकिन वो अपने मकसद के बीच में जो है वो उन्हें आने भी नहीं देना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, वो आरआर की क्वीन जो है उन्हें बनाना चाहते हैं, लेकिन जब उनके सामने ये सारी चीज़ें आएंगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा हमारी हीरोइन का, ये जानने के लिए तो आप लोग को इस नॉवल को पढ़ना पड़ेगा। बट मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन, रोमांस, सब कुछ, जुनून, दीवानगी, फैमिली ड्रामा, सब कुछ मिलेगा यार इसमें आप लोगों को देखने को, जो कि मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई। और जिस तरीके से मतलब इनका अंदाज़ है ना, मतलब आप लोग पढ़ोगे तो बिल्कुल फील कर पाओगे, और हर तरीके के इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है, तो इस वजह से ना मैं उससे कनेक्ट भी हो पाई। कॉमेडी, एंटरटेनमेंट सब कुछ है, मतलब एक जगह सीरियसनेस दिखाई गई है ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसमें कॉमेडी भी है, चाहे वो इनकी कैट फाइट से ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे इसकी ना बहुत अच्छी लगी, और मैं डेफिनेटली इसको आगे भी पढ़ूंगी कि इसमें आगे क्या होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन बस एक ही चीज़ होती है, मतलब आप लोगों को पता है, जो जो लोग मतलब मेरी वीडियोज़ देखी हैं जिन्होंने, उन्हें पता है कि मुझे हैप्पी एंडिंग चाहिए होती है चीज़ों में। तो मुझे ये लीप वीप वाला सीन भी नहीं पसंद है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हीरो हीरोइन जो है वो साथ में ही रहें, अगर लड़ भी रहे हैं तो भी वो साथ में ही रहें, ठीक है। तो कोई बात नहीं, रूठना मनाना तो चलता रहता है, लेकिन ये लीप वाला, इनको मतलब अलग कर देना, ये चीज़ें जो होती है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। तो पता नहीं आगे होगी कि नहीं होगी, सिर्फ इस वजह से ही मैंने अभी इसको थोड़ा ब्रेक दिया है कि यार मैं अभी नहीं पढ़ रही, कहीं आगे चल के मुझे ऐसे पता चले तो मेरा दिल टूट जाएगा, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं, बाकी इनके मकसद को जानने के लिए आप लोगों को इसको पढ़ना पड़ेगा, बाकी इनकी लव स्टोरी को देखने के लिए भी आप लोग को इसको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ कौन सा है वो मकसद ये भी जानने के लिए आप लोग को इनको पढ़ना पड़ेगा, और जब उनकी रियल आइडेंटिटी सामने आएगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा ये जानने के लिए भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। बाकी इसमें फ्रेंडशिप गोल्स, फैमिली गोल्स, सब कुछ आप लोग को देखने को जो है वो मिल जाएंगे। बाकी वो जो देवरानी जेठानी वाला थोड़ा सा सीन हो जाता है ना कि भाई वो ऐसे दिखाती हैं कि मैं सुपीरियर हूँ और तुम्हें जो है वो काम करना है, ऐसे वाला सीन है, और वो खुद काम से बचती रहती हैं, थोड़ा सा वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ में आप लोगों को एक थोड़ी बंदिशे टाइप भी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो हर कोई जाके जो है इस नॉवल को पढ़ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली आप लोग जो है उसको एडमायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था मेरा ओपिनियन इस स्टोरी को लेके, बाकी अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस स्टोरी को लेके। और रही बात इस नॉवल की, तो ये पहले ट्रेंडिंग नॉवल्स में भी रह चुकी है, क्योंकि मुझे याद है, बट मैंने उस टाइम पे भी इसे नहीं पढ़ा था, लेकिन बाद में मैंने फाइनली पढ़ ही लिया, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बाकी आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Bye.